أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين، مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا الدستور مولانا شيخ الله فاز أحسن شيخ محمد ناصر الحقاني، مدد طريقتنا والصحبة والخير في الجمعية. بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها صدق الله العظيم الله عز وجل صدق الله العظيم الله عز وجل ने आदम अलैहिस्सलाम को सारी साइंसदानी और सारा इल्म सिखाया और फिर फरिश्तों ने पूछा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से इस दुनिया में इंसानों के हालात देखने के बाद फरिश्तों ने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से पूछा कि उसने ये परेशानी पैदा करने वाले लोग क्यों बनाए हैं, क्योंकि वो बहुत ही बुरे थे। हर चीज़ अच्छी थी, फरिश्ते नूर में बैठकर इबादत कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आदम अलैहिस्सलाम को क्यों बनाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने आदम अलैहिस्सलाम को सारा इल्म अता फरमाया, तो जब उसने इस बात का जवाब नहीं दिया तो फरिश्ते समझ गए कि वो हर चीज़ जानता है, और उन्होंने तौबा की और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को सजदा किया। इसका मतलब है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने ज़्यादा इल्म दिया इंसान को बाकी मखलूक़ात के मुकाबले। लोग ऐसे बोलते हैं जैसे कि वो खुद चीज़ें खुद नई चीज़ें ला रहे हैं, जबकि सारे इल्म का हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। जब वक्त आता है तो दरवाज़ा खुलता है और वो इल्म ज़ाहिर होता है। ये दोनों तरीके से मादी और रूहानी तरीके से होता है। चीज़ें जो आदम अलैहिस्सलाम को मालूम थी वो एक बूंद के बराबर भी नहीं है समुंदर में उन चीज़ों के मुकाबले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम। कहते हैं औलिया और मशायख खुद को सोचें कि आप कितना इंसानी मर्तबा कितना ऊंचा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने उनको नेमत दी है, हर तरह की अच्छाई लोगों को दी है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसकी कीमत नहीं जानते। जैसे कि हमने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा हर तरह से बहुत ऊंचा है, वो सारी मखलूकात से बहुत ऊंचा है। उनका मर्तबा सबसे ऊंचा है फरिश्तों में, जिन में और इंसानों में, और जैसे कि हमने कहा जिससे कि वो अल्लाह के यहाँ लायक हों। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने उन्हें ऐसा मर्तबा दिया जो कि कभी कोई नहीं पा सका। ये हमारे लिए एहतराम की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से होना हमारे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है, ये बहुत बड़ी फजीलत है। हम चाहे जितना भी शुक्र करें अल्लाह का, ये काफ़ी नहीं है। हम इन मुबारक की उम्मत में से हैं। दूसरे पैगंबरों ने दुआ की कि वो इस उम्मत में से होते, और अल्लाह का शुक्र है कि हम इस उम्मत में से हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम उनका एहतराम करने की कोशिश करते हैं जितना हम कर सकते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन बिल्कुल चाहे हम कितनी भी इज्जत करें उनकी, वो काफ़ी नहीं है।
हम उनसे मोहब्बत करते हैं इंशाल्लाह, और अल्लाह हमें हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ज़्यादा मोहब्बत करने की तौफीक अदा फरमाए। कल शाम को हम इस मुबारक रात में होंगे इंशाल्लाह। इस रात को जो हम चीज़ें करते हैं और दुआ कबूल की जाती हैं, अगर कज़ा नमाजें हैं तो वो पढ़नी चाहिए और सलात व तस्बीह पढ़े इंशाल्लाह। और सलात व तस्बीह के बाद दो रकात मेराज की नमाज पढ़ें और हर रकात में 20 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ें और दुआ करें। इस वजीफे का कितना अजर मिलता है अल्लाह के यहाँ, वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इसलिए जितनी ज़्यादा खैरात और अच्छे काम आप कर सकें, ज़्यादा फजीलत है इनकी इस मुबारक दिन और रात में। कल मेराज है, ये आज रात नहीं है, लेकिन इतवार से पीर को जो रात जाती है उसमें है। हमें पीर का रोज़ा रखना है। 27वीं तारीख कल शाम से शुरू होती है और अगली शाम तक ये रहेगी। अल्लाह इसको मुबारक करे इंशाल्लाह। अल्फातिहा।